शारदीय नवरात्र रविवार से जिले भर में कलश स्थापना के साथ शुरू हो गया। पहले दिन गांधी चौक स्थित छोटकी दुर्गा मंडप समेत विभिन्न मंदिरों में कलश स्थापित कर भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा आराधना की गई। इसके अलावा बड़की दुर्गा मंडप, बाबन टोली दुर्गा मंडप, बरगंडा स्थित विश्वनाथ मंदिर, पुराना जेल परिसर मंदिर, शास्त्री नगर स्थित आदिशक्ति मंदिर, बरमसिया स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, रक्षित बाबू दुर्गा मंदिर, रेलवे परिसर दुर्गा मंदिर, सीहोडी स्थित दुर्गा मंदिर, भंडारीडी दुर्गा मंदिर, अलकापुरी दुर्गा मंदिर, बोड़ो स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर एवं तमाम दुर्गा मंदिरों में आश्विन शुक्ल प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र शुरू हो गई। यह पूजा पाठ अगले 9 दिनों तक विधि विधान से की जाएगी। अलग अलग दिन माता रानी के प्रत्येक अलग अलग रूपों का पूजा आराधना की जाएगी। इस बाबत छोटकी दुर्गा मंडप के पुजारी सतीश चंद्र मिश्रा ने बताया कि घट स्थापना के साथ नवरात्रि पूजा आज से शुरू हो गई, वही शीत ऋतु का भी आगमन हो जाता है। नक्षत्र से युक्त अलग अलग दिन देवी के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इधर पूजा को लेकर हर ओर भक्ति भाव का माहौल बना हुआ है। पूजा शुरू होते ही चारों ओर एक अलग भक्ति का वातावरण फैल गया है। सप्तमी तिथि को विभिन्न दुर्गा मंदिरों में मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसको लेकर पूजा समितियों की ओर से लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं जगह जगह विशाल पंडाल का भी निर्माण कराया जा रहा है। आज 15 अक्टूबर को शारदीय नवरात्र का आरंभ है। या शारदीय नवरात्र जिस दिन घट रखा था उस दिन से शीत ऋतु का आरंभ हो जाता है और ये नक्षत्रों से युक्त होकर पूजा होता है। दुर्गा पूजा एक ऐसा पूजा है जो पूरे नक्षत्र से युक्त है और प्रकृति के माध्यम से देवी की उपासना होती है। इसलिए प्रकृति में भी एक तरह के औसत वृक्ष हैं, उन वृक्षों से देवी का स्नान ध्यान किया जाता है और मानसिक पाप को नष्ट करने के लिए देवी पूजा विशेष फलदायिनी है। स्त्रियों के स्वभाव के अनुसार देवी का भी श्रृंगार पूजन किया जाता है। देवी चार दिन अपने पार्थिव लोक पर सब घर में विराजमान होती है। इसे देवी को सांगोपांग पूजन श्रृंगार दर्शन आदि करने से मनुष्य के किए हुए जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कन्या पूजन विशेष रूप से किया जाता है क्योंकि देवी कन्या के रूप में ही घर घर विराजमान होती है और कन्या पूजन करने मात्र से मनुष्य विपुल फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें जो सूत्रों की कन्या को अगर पूज ले तो जिसके यहाँ संतान नहीं है वैसे व्यक्ति को संतान धन की प्राप्ति होती है। इसलिए निम्न वर्ग की कन्या को विशेष पूजन करना चाहिए। इनके पूजन करने से काली वस्त्रों से उनका श्रृंगार करे और कालिका रूप में उनका ध्यान करे तो मनुष्य के घर में समृद्धि समावेश होती है। आपको खरा सोना चाहिए तो हमारे पास आइए क्योंकि हम समझते हैं आपके पैसे की कीमत। जी हाँ, सिरसिया के ब्लॉक रोड में स्थित बीबी गोल्ड एंड जेम्स में 22 कैरेट के सोने से निर्मित बहुत ही आकर्षक आभूषण आपके मन को लुभाएगा। आप यहाँ कैरेट मीटर नामक मशीन से सोने की शुद्धता माप सकते हैं। सोने के अलावा यहाँ चांदी के आभूषण का विशाल संग्रह है। साथ ही यहाँ हर प्रकार का गृह रत्न और उपरत्न बहुत ही उचित मूल्य पर मिलता है। अपनी ग्रह दशा सुधारने के लिए यहाँ विद्वान ज्योतिष से परामर्श ले सकते हैं। ऑफर के तहत मेकिंग चार्ज में 10% की छूट दी जा रही है। तो बीवी गोल्ड एंड जेम्स में आप विश्वास के साथ आए और मनपसंद आभूषण की खरीदारी करें। पता नोट कर ले, बीवी गोल्ड एंड जेम्स, ब्लॉक रोड, सिरसिया, गिरिडीह। सीहोटी कॉलेज मोड़ के निकट व रेलवे ब्रिज के पूर्व की ओर स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक प्रसिद्ध हड्डी जोड़ व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीजों का इलाज करते हैं। यहां जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटना का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण व हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CRM मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी, फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC, नॉन AC केबिन की सुविधा है। तो हड्डी संबंधित कोई भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में सीहोडी, गिरिडीह।